लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों को जीत मिली, जिसके बाद अब राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें एक सीट आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की किपसर भी है। बेनीवाल यहां से विधायक थे, लेकिन अब उनके नागौर से सांसद बनने की वजह से किपसर में उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी कोई घोषणा तो नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी, बीएसपी सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे। अगर बात करें खिवसर विधानसभा सीट की, तो यहां भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय टक्कर होने के आसार हैं। तीनों दलों से टिकट के लिए भी तीन तीन दावेदार रेस में हैं। अब सवाल ये है कि प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक इस सीट पर इस बार हनुमान बेनीवाल की जगह कौन लेगा, और क्या बीजेपी हनुमान बेनीवाल को उनके गढ़ में शिकस्त दे पाएगी, ये राजनीतिक गलियों में एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। इसी बीच चुनाव के लिए अब उम्मीदवारों के नाम भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। टिकट के दावेदारों की बात करें तो आरएलपी के पांचला सिद्धा के महंत जसनाथ महाराज, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल के नाम रेस में है। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा, विधानसभा में हनुमान बेनीवाल के हरीफ रहे रेवंत राम डांगा और आरसीए के अध्यक्ष और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे धनंजय सिंह के नाम चर्चा में है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो नथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा, नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा और बासपा से चुनाव लड़ चुके दुर्गा सिंह खिवसर कांग्रेस के दावेदारों में सबसे आगे हैं। आरएलपी के दावेदार कौन होगा, इसका फैसला सांसद हनुमान बेनीवाल पर ही निर्भर है। बताया जा रहा है कि जसनाथ महाराज की हनुमान बेनीवाल से काफी नजदीकियां हैं। महाराज के भक्तों की संख्या और फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। ऐसे में जसनाथ महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं तेजी पर है। वहीं हनुमान बेनीवाल अगर चाहते हैं कि ये सीट उनके परिवार के पास ही रहे, तो वो अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी मैदान में उतार सकते हैं, या फिर अपने भाई नारायण बेनीवाल को फिर से चुनाव लड़वा सकते हैं, क्योंकि 2019 में जब हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे, तब उपचुनाव में उन्होंने नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें नारायण बेनीवाल खिवसर से चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।